हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कलाकंद। तो उसके लिए हमने यहाँ लिया है 500 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर, कंडेंस मिल्क, चॉप्ड बादाम और 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिए मैंने कढ़ाई, अब डालेंगे मिल्क पाउडर। अब डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो अब डाल देते हैं पनीर। पनीर खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए मिक्सचर हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। पनीर को हमने कद्दूकस किया था, इस वजह से देखिए इसमें कितने अच्छे से दाने नज़र आ रहे हैं। हमने यहाँ कोई शुगर ऐड नहीं किए क्योंकि कंडेंस मिल्क ओब्वियसली मीठा होता है, उसकी काफ़ी मिठास होती है। अब धीरे धीरे बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है, एकदम दानेदार है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो चुका है और ये बिल्कुल दानेदार है। मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ दी, ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया कढ़ाई से और बिल्कुल गाढ़ा हो गया। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए हल्का सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मेरे पास एक मिठाई का बॉक्स है, मैं सेट होने के लिए इस बॉक्स में निकाल दूंगी। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, निकालने से पहले बर्तन को ग्रीस कर लेना। मिक्सचर को मैंने बॉक्स में निकाल लिया है और इसे इसमें ऊपर से बादाम डाल देंगे और 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे 1 घंटा सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए मिठाई हमारी तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।